Hello students, welcome to your EVS class. Children, your book is divided into two parts, part A and part B. We have done part A. Now we are doing part B. Okay? This is part B. Part B, term 2. And from this, we are doing Chapter 13, Indian Rulers, and page number is B1. In previous class, we learned about Maharana Pratap, Tipu Sultan, Chhatrapati Shivaji, and Akbar. And from today, we are starting page B3, First Emperor Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was the founder of the Maurya Empire in the ancient India. तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो founder. Founder का मतलब होता है a person who starts new organization. कोई भी जो उस चीज को शुरू करता है उसको founder बोलते हैं. और empire का मतलब होता है a group of countries that is governed by one country. मतलब साम्राज्य. तो मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया. मतलब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, शुरू किया था उन्होंने. ही वॉज काउंसल्ड एंड गाइडेड इन हिज एडोलेसेंट ईयर्स बाय चाणक्य. और उनको काउंसल्ड करना मतलब टू टेल समबडी व्हाट डू यू थिंक शी should do और do advice. Counsel मतलब advice है ना. तो जो चाणक्य थे वो उनको guide करते थे, advice देते थे जब वो छोटे थे. Adolescent का मतलब होता है between young person who is no longer a child and not yet an adult. मतलब between the age of 13 and 17. तो 13 और 17 के बीच का जो भी होता है उसको एडोलेसेंट बोलते हैं. तो जब वो छोटे थे तब से ही उनको चाणक्य चीजें के बारे में समझाते थे. ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, और उनको कौटिल्य भी बोलते थे. विद हिज एडवाइस चंद्रगुप्त अप्रूटेड द मिसरूल ऑफ नंदा रूलर्स. उनकी एडवाइस की वजह से, चाणक्य की एडवाइस की वजह से चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने नंदा रूलर्स जो थे उनके जो शासन, उनका जो शासन था उसको अपरूटेड किया. अपरूटेड किया मतलब मूव समवन फ्रॉम देयर होम और फैमिलीज और लोकेशन. मतलब किसी भी चीज को खत्म करना. जैसे अपरूटेड, वैसे आप प्लांट्स को हम बोलते हैं अपरूटेड, मतलब प्लांट को जमीन में से निकाल देना, मिट्टी में से निकाल देना, है ना. तो वैसे ही नंदा रूलर्स को चंद्रगुप्ता ने अपरूटेड किया, मतलब हटाया, खत्म किया. ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ किंग अशोका. जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो किंग अशोका के ग्रैंड फादर हैं. चंद्रगुप्त यूनिफाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. यूनिफाइड का मतलब होता है मेक और बिकम यूनाइटेड. मतलब चंद्रगुप्त ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया को यूनाइट करने की कोशिश की थी या यूनाइट किया था. उससे पहले इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थी. चंद्रगुप्त करेज एंड चाणक्यस इंटेलिजेंट. करेज का मतलब द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटेंस वन और वन ब्रेवरी. मतलब करेज का मतलब ब्रेवरी, वन वर्ड में समझे तो हम बहादुरी. तो चंद्रगुप्त की बहादुरी और चाणक्य की इंटेलिजेंस मतलब समझदारी, दोनों की वजह से क्या हुआ, टर्न द मौर्य एम्पायर इंटू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स ऑफ ऑल टाइम. तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की वजह से जो एम्पायर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल एम्पायर हो गया हमेशा के लिए. Now, next, Ashoka. Ashoka the Great was an emperor of Maurya dynasty.
ये मौर्य डायनेस्टी के ही रूलर थे अशोका, हु रूल्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने, सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है इंडिया के आसपास के जो जगह है वहां भी, तो इन्होंने लगभग सभी जगह राज्य किया। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अभी आपने यहाँ पढ़ा था कि ग्रैंड, ये इनके ग्रैंड फादर थे, ये ग्रैंड फादर है चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके ग्रैंड सन कौन है, ग्रैंड सन है अशोका। अशोका वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड वन मैनी बैटल्स, मतलब बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने बहुत सारी बैटल्स का मतलब लड़ाइयाँ, तो उन्होंने बहुत, वो बहुत महान योद्धा थे और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। बट आफ्टर विटनेसिंग द मास डेथ ऑफ कलिंगा वॉर, अशोका ट्रांसफॉर्म टू पीसफुल एम्परर। जब कलिंगा एक जगह का नाम है, तो कलिंगा का जब उन्होंने युद्ध देखा जहाँ पे मास मतलब बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा, अगर हम कोई चीज़ होती है तो हम, जैसे हम बोलते हैं मास मीडिया, मास मीडिया का मतलब होता है जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मतलब जिस चीज़, जो चीज़ ज़्यादा लोगों के पास पहुँचती है। तो यहाँ पे मास डेथ से मतलब है बहुत ज़्यादा लोगों को का मरना। तो जब उन्होंने बहुत सारे लोगों को कलिंगा वॉर में मरते हुए देखा, तो वो पीसफुल एम्परर बन गए, मतलब उन्होंने लोगों को मारना, लड़ाई करना ये छोड़ के वो शांति का राज्य स्थापित करने वाले हो गए। ही बिकम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, और वो बुद्धिज्म के फॉलोअर हो गए, मतलब बुद्धिज्म को मानने वाले हो गए। बुद्धिज्म एक रिलीजन है, जैसे और रिलीजन्स होते हैं हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, वैसे ही बुद्धिज्म भी एक रिलीजन है। ही एस्टेब्लिश स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर द पुअर। एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, मतलब having existing or done something for a long time and therefore recognized and generally accepted, मतलब जिसको सब लोग माने वो चीज़, और जो सबके फायदे के लिए हो। तो उन्होंने establish किया schools को, hospitals को गरीब लोगों के लिए, and built many Buddhist temples across India, और पूरी इंडिया में उन्होंने बहुत सारे Buddhist temples भी बनाए। His Ashok Chakra, this one, was adopted as the symbol of independent India in 1947. उनका जो अशोक चक्र है वो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र भारत के लिए एक सिंबल बना। इट इज द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग, और नेशनल फ्लैग पे बीच में आप चक्र देखते हो, आपको पता है इसके अंदर कितनी स्पाइक्स होती है, 24, है ना, ऑफ इंडिया, दैट डिनोट्स मूविंग फॉरवर्ड एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, जो इंडिया को, और इसका मतलब क्या होता है, डिनोट करना मतलब क्या समझाता है ये चक्र हमको, कि हमें मूविंग फॉरवर्ड का मतलब हमें आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया और उन्नति, तो ये चक्र हमें समझाता है कि हमें आगे बढ़ना है और उन्नति करनी है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वॉज अ रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। He was a great warrior and was called Indian Napoleon. और इनको Indian Napoleon कहा जाता था। He ruled for 40 years and won many battles with the help of huge skilled army and naval forces. तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने करीब, इन्होंने 40 years तक राज्य किया, मतलब 40 years तक ये राजा थे यहाँ पर, और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, battles मतलब लड़ाइयाँ जीती, और ह्यूज मतलब बड़ी, और स्किल्ड मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, तो जो उनके पास आर्मी थी वो सब कुछ अच्छी तरीके से कर सकती थी, तो बहुत बड़ी। और नेवल का मतलब होता है रिलेटिंग टू अ नेवी, है ना, तो उनकी जो आर्मी थी और नेवी थी दोनों ही बहुत ज़्यादा सक्षम थी, अच्छी तरह से लड़ाई के लिए लड़ाई कर पाती थी। He was also a poet and musician. और वो poet भी थे और musician थे। Poet का मतलब जो poetries लिखते हैं, poem लिखते हैं, उनको poet बोला जाता है। तो वो poet भी थे और musician भी थे। रानी ऑफ झांसी, लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी को का नाम लक्ष्मीबाई था, जिनको
झांसी की रानी, मतलब लक्ष्मीबाई जिनका नाम था उनको झांसी की रानी बोलते थे। लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी वॉज द क्वीन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी इन नॉर्थ इंडिया, करेंटली इन उत्तर प्रदेश। तो नॉर्थ इंडिया में झांसी थी जो अभी उत्तर प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री एंड फाइट फॉर इट इफ नीड अराइजेस। मतलब पैट्रियट हम उस जने को बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं जो अपने देश से प्यार करता है और जब जरूरत हो तो उसके लिए लड़ाई भी कर सकता है। शी लर्न द यूज ऑफ वेपन्स एज अ चाइल्ड। और उनको वेपन मतलब हथियार, हथियार से मतलब जैसे तलवार चलाना उनको आता था, घुड़सवारी आती थी, वो उनको बचपन से ही आती थी जब वो छोटी थी, बचपन मतलब छोटी थी तब से। शी वॉज अ क्लेवर आर्चर एंड क्लेवर हॉर्स राइडर। आर्चर का मतलब होता है अ पर्सन हु शूट्स विद अ बॉ एंड एरो, धनुष तीर, धनुष और तीर आपको पता है ना, तो उसको बोलते हैं आर्चर। तो वो एक समझदार धनुष चलाने वाली थी और हॉर्स राइडर घुड़सवारी कर सकती थी। शी अलॉन्ग विद मैनी अदर ब्रेव हार्ट्स फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश के साथ भी लड़ाई की, ब्रिटिशर्स जो हमारे देश में हमें गुलाम बना रखा था उनके साथ भी उन्होंने काफी समय तक लड़ाई की। शी ऑर्गेनाइज अ ब्रेव आर्मी, उन्होंने एक बहादुर आर्मी बनाई। वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस, जो उन जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, मतलब दूसरों के लिए वो प्रेरणा है कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। जैसे उन्होंने अपने देश के लिए ब्रिटिशर्स से लड़ाई की, वैसे भी हमारे देश पे अगर कभी कोई मुसीबत आए तो हमें भी उनकी तरह बहादुर बनना चाहिए और लड़ाई करनी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन।